बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएफ व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन और चिकन वेजिटेबल राइस। राइस को शुरू करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर वाइट विनीगर। नमक डालेंगे इसमें, 1 टेबलस्पून के करीब नमक डालेंगे। 2 ग्लास मेरे चावलों के हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। इसको उबलने के लिए अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे पानी को। जितनी देर पानी में उबाल आ रहा है उतनी देर के लिए हम अपना ब्लैक पेपर चिकन रेडी करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 अदद पैन और इसमें डाला है मैंने 1/4 कप ऑयल और साथ ही लिए हैं मैंने 6 से 7 लहसुन के जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब चिकन है, इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसकी लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे, गार्लिक को 2-4 चम्मच लाने के बाद। साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो मैंने क्यूब्स में काट के रखा था। ये देख लीजिए क्यूब्स, इसके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। ये आपकी मर्ज़ी, आप जूलियन कटिंग कर लें या क्यूब्स में काट लें या इसको आप बहुत ज़्यादा एक लंबी लंबी स्ट्रिप्स आती हैं उसमें काट लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है इसकी कटिंग कौन सी आपने रखनी है। मैंने तमाम चीज़ों की कटिंग जो है वो क्यूब्स में रखी है। आप जिस कटिंग में रखेंगे, जूलियन कटिंग में अगर चिकन काटेंगे तो जूलियन ही आप शिमला मिर्च गाजर वगैरह काटेंगे, अगर आप क्यूब्स में करेंगे तो क्यूब्स में काटेंगे। ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। इधर मैंने जो प्याज के क्यूब्स काट के रखे थे इनके पीसेस हम अलहदा कर लेते हैं। ये इस तरह हम इसको सारे प्याज को खोलेंगे, ओनियन को इस तरह से। ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहाँ पे भी ये चिकन और लहसुन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका। इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे प्याज, चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने प्याज को इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो इसमें से अच्छे से ख़त्म हो जाए। बस इतना हम इसको पकाएंगे। 2 ग्लास पानी के इसमें ऐड करेंगे और अब डालेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही जाएगी इसमें वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस जाएगा 1/4 कप सोया सॉस इसमें डालेंगे, चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो चिकन पाउडर ऐड कर दीजिए, नहीं तो इसकी जगह पे आप क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, चिकन क्यूब्स जो मार्केट में मिलती हैं वो वाली। नमक डालेंगे हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से चम्मच चलाएंगे। यहाँ मैंने कप में पानी लिया है और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का और इस मिक्सर को अच्छे से हम हल कर लेंगे ताकि बाद में हमने ये भी उसी में ही ऐड करना है। यहाँ मैंने चिकन को चेक किया जब तो उसमें मिर्चें बहुत कम लगी, तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये डाल के थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा था पानी में, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, चेक करेंगे इसको, पकाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पे ये देख लीजिए गाढ़ा हो चुका। चीनी डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप
वो चिली डालेंगे गार्लिक सॉस और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, इसकी थिकनेस को चेक करेंगे। अगर आप ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रखना चाहते हैं तो इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सारे मसाले इसमें बेहतरीन है और बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट मीठा और नमकीन दोनों होता है। थोड़ा थोड़ा मीठा भी इसमें फील होता है क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की है, इस वजह से ये थोड़ा इस किस्म का इसका टेस्ट होता है। और इंतहाई लजीज किस्म का हमारा ब्लैक पेपर चिकन रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम करेंगे, इसको मैं साइड पे करके दूसरी तरफ जो पानी में उबाल आ चुका था इसमें डालेंगे और चावलों को फुल बॉयल करेंगे। फुल बॉयल होने तक इसको पकाएंगे, उतनी देर उनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने एक अदद गाजर लिए, इसको पहले मैं इस तरह जूलियन में काट के लंबा बाद के बाद में इसकी यूं इस तरह फाइन चॉप करके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे। शिमला मैंने 2 अदद ली हैं, उनको भी मैंने क्यूब्स में काट के रख लिया है, ऑलमोस्ट वो रेडी हैं। मीडियम साइज़ की गाजर है, यूं इस तरह हमने इसको करके साइड पे कर लेना है। सारी गाजर को फाइन चॉप कर लेंगे फटाफट से, 2 या 3 मिनट लगते हैं इस गाजर को करने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। लहसुन लिया है मैंने, 6 से 7 अदद जवे हैं इसके। इसको मैंने यूँ इस तरह नाइफ़ से प्रेस किया है, नाइफ़ के नीचे रख के इसको ज़ोर से हाथ से प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1 मिनट में ये लहसुन जो है इसके ऊपर से इसका कवर रिमूव हो जाता है बहुत जल्दी। 2 मिनट लगते हैं ऐसा करने के बाद। इसको फाइन चॉप कर लेंगे जिस तरह हमने कैरेट को किया है, इसी तरह से लहसुन को भी फाइन चॉप करेंगे। आप लोग बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को आगे शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड में फैमिली में। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और अच्छा बताना चाहते हैं कि मैं ये बनाऊं तो काइंडली वो भी इसमें कमेंट्स में बताया कीजिए। और इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर वो भी चीज़ें बारी बारी बनती जाएंगी। ये देख हमारा जो लहसुन है वो 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उसको छील भी लिया और उसको फाइन चॉप भी कर दिया। अब अगला काम करते हैं, इसमें लहसुन थोड़ी सी प्याज गाजर और शिमला मिर्च थोड़ा सा चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ की बोनलेस पीसेस थे जिनको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में कर लिया। 1 कप पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए रखेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली क्रश की हुई और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें सोया सॉस का, सॉरी सोया सॉस नहीं विनीगर का। विनीगर डालने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये जल्दी गल जाएगा। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक का और इसको 5 मिनट 10 मिनट पकने देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से इसी पानी के अंदर गल जाए। ऊपर से इसको ढक देंगे। इसके बाद साथ ही ये देख लीजिए 10 मिनट बाद गुजर गए, ये चिकन हो गया मैंने तमाम। और इसको यहाँ मैंने रखा है कटिंग बोर्ड पे। अब मैं बेलन की मदद से इसको हल्का हल्का ऊपर से टैप 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 करूँगी ताकि थोड़ा सा ये प्रेस हो जाए। और उसके बाद ये देखिए हमने बेलन नहीं चलाए, पूरा चिकन श्रेड हो जाता है। एक एक पीस को पकड़ के यूँ तोड़ने से बेस्ट है आप ये तरीका अपनाएं, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है इसकी जो मैंने आप लोगों को इसमें अपनी तमाम वीडियो में मैं अपने सीक्रेट और अपने जो भी ट्रिक्स होते हैं जो भी टिप्स होती हैं वो सारी आप लोगों को हूँ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी बने और आप लोगों की समझ से आ जाए और आप अच्छे अच्छे खाने बनाएं और उनसे लुत्फ़ानंदोज़ हो जाएं। यहाँ पे लिया है जी पैन और इसमें डाला है 1/4 कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लहसुन किया था फाइन चॉप, ये 6 से 7 अदद जवे हैं।
साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटी सी प्याज या हाफ प्याज कह लीजिए, अगर बड़ी है तो वो हाफ ले लीजिए, या बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसका चौथा पार्ट आप ले सकते हैं। इस तरह हमने इसको पकाना है, साथ ही हम इसमें ऐड कर कैरेट, कैरेट जो हमने फाइन चम्मच चलाएंगे। बहुत मज़ेदार ये खाना रेडी होता है। चलाते हुए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि ये जो है बॉयल नहीं किया, ना ही इसको बॉयल किया है, ना ही इसमें कुछ और ऐसा, सिर्फ इसको वॉश चॉप किया है और इसमें ऐड कर दिया। वो इस कदर फाइन चॉप है कि वो यूँ दो ही उसने सॉफ्ट हो जाना है। यहाँ पे मैंने दो अदद जो थी शिमला मिर्चें, ये थोड़ा बड़ा क्यूब्स रखा है ताकि चावलों में ये लगती हैं। ये दो चार चम्मच चलाएंगे कि अब मैं इसमें चिकन जो हमने शेड किया था वो डाल दूंगी। चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कॉर्न थोड़े से दो टेबलस्पून के करीब, ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें पैकिंग ले के रख लीजिए, छोटी जो है वो महंगी पड़ती है, बड़ी पैकिंग ले लीजिए, जल्दी से ही इस्तेमाल हो जाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। चावल चार चम्मच चलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे तमाम मसाले जो इसमें ऐड करने हैं। नमक चाहिए तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, आप अपने चावलों के नमक ऐड कीजिए। काली मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब डाल दिए थोड़े से, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी, आप छोड़ दीजिए इसको। सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च है इसमें, साथ नमक गया है, मिक्स हर्ब के हैं थोड़े, मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा चिकन पाउडर। हाफ टी नहीं है तो आप उसकी जगह पे चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते। चावलों को मैंने फुल बॉयल किया है, इसमें कनी वाली कोई बात नहीं है, फुल फुल इसके, और मैंने इनको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ा है, 5 से 10 मिनट, ताकि इसको जब हम मिक्स करते हैं तो फिर चावल टूटता कम है, क्योंकि वैसे भी ये इस वक्त टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनमें सिरका जो वाइट विनेगर था उसका ही यही होता है कि ये चावल जल्दी टूटता नहीं है। इस अच्छे से हम सारे चावलों में ये सारे मसाला चाट और फिर जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इनको टेस्ट करके नमक कम लगे जो भी आपको कम लगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो इस पॉइंट पे मिक्स करते हुए ही लीजिए मज़ेदार किस्म के चिकन और ब्लैक पेपर चिकन। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस की, आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैंने जो हाफ कप चिकन जो मैंने बॉयल किया था वो मैंने इसमें थोड़ी ऐड कर दी थी, इसको यन 3 से 4 मिनट दम देंगे क्योंकि वो यखनी जो है। यहाँ देखिए लास्ट लुक, केला केला चावल, मज़ेदार किस्म की वेज साथ, और उसकी भी देख लीजिए लुक कितनी ज़बरदस्त है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।